नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास और बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ के अंश होते हैं आपकी राशि के तीन लोग। जी हाँ दोस्तों, और यश में, आपके जीवन में यश में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपार खुशियों की प्राप्ति होंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके पिछले सभी कार्य, जो भी रुके हुए कार्य, जो भी अटके हुए कार्य पेशे हैं, यश में आपको मिलेंगे, यश में आपके सभी कार्य बनेंगे और आपको भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी जीवन में अपार धन दौलत, अपार कामयाबी और अपार खुशखबरियों पर भी यश में प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने पिछले समय से बहुत सारी मेहनत करते हुए अपने कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपने पिछले समय उतनी इच्छा सफलता को प्राप्त नहीं किए हैं और यश में भी आप अपने आप से नाराज़ हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले समय में जब भी आप मुसीबत में थे, वश में, आप कहीं ना कहीं भगवान को अपने मन में पुकार रहे थे कि भोलेनाथ, हमारी मनोकामनाएं कब पूरी होगी। लेकिन दोस्तों, यश में ग्रहों की ऐसी स्थिति है, जब आपको भोलेनाथ के आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं, भोलेनाथ की नज़र आपके ऊपर है और यश में आपके जीवन में सभी कष्टों का निवारण होगा, सभी बाधाओं को यश में भगवान भोलेनाथ खत्म करने वाले हैं और आपको यश में अपार धन दौलत के साथ साथ नए सुनहरे अवसरों की भी प्राप्ति करवाने वाले हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, आपके पारिवारिक जीवन में भी इनका असर आपके लिए बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली है। खासकर दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के चमत्कार यश में आपके जीवन पर देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यश में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके क्षेत्र में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, कौन कौन से शुभ अवसर आपको मिलेंगे, इसके साथ ही दोस्तों यश में आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता होगी। अगर दोस्तों यश में आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो इन सभी सफलताओं का आनंद आप पूरी तरह नहीं ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इन सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि यश में आपको किन किन चीज़ों को लेकर सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, ग्रह गोचर पर विशेष तौर पर आप सभी के लिए निर्मित किया गया है, तो इन्हें अंत तक देखना आपका दायित्व होगा। और उससे पहले दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय भोलेनाथ लिख दें। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन पर यश में सदैव रहेगा। और दोस्तों, चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं। दोस्तों, यश में शांतिदायक व फिर धनदायक चल रहा है, घर में उचित व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश भी कामयाब रहेंगी। विद्यार्थियों को भी यश में उच्च अध्ययन व फिर अनुसंधान में उचित परिणाम भी हासिल होंगे तथा जीवन बहुत ही सहज और सरल प्रतीक होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में किसी प्रकार के आवागमन संबंधी कार्यों को स्थगित रखें दोस्तों, क्योंकि इनमें समय जो है व्यर्थ होने के अलावा कुछ नहीं आपको हासिल होगा। दोस्तों, घर के किसी नज़दीकी सदस्य के वैवाहिक जीवन में अलगाव जैसी स्थिति उत्पन्न होने से घर में जो है थोड़ा सा तनाव भरा वातावरण भी रह सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि अपनी गलतियों की बार बार याद करने से आपको सिर्फ तकलीफ ही हो सकता है। दोस्तों, जिन बातों को आप बदल सकते हैं उनको बदलने की कोशिश करें, केवल विचार करके आप खुद को तकलीफ दे रहे हैं। दोस्तों, कुछ बातों में विचार व्यक्त करना भी आपके लिए इसमें अत्यंत आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के तनाव का अपनी नींद पर असर ना होने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि यश में आप फालतू की गतिविधियों में ध्यान हटाकर अपना ध्यान को अपने कार्यों के ऊपर केंद्रित रखें। ग्रह स्थितियां यश में अनुकूल है, आपके रुके हुए काम सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। घर का माहौल भी यश में अनुशासित रहेगा। किसी सामाजिक धार्मिक समारोह में जाने से लोगों के साथ मेल मिलाप भी यश में आपका बढ़ेगा। इसको प्रांति दोस्तों, यश में किसी किसी समय आपका मन में छोटी छोटी बातों को लेकर विचलित रह सकता है, परंतु दोस्तों, यश में अपनी मन स्थिति पर नियंत्रण रखना भी आपके लिए अति आवश्यक होगा, क्योंकि दोस्तों इसका नकारात्मक प्रभाव या फिर नकारात्मक असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, भाइयों के साथ संबंध इसमें अवश्य मधुर बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपके विचारों के सीमित दायरे से बाहर निकाल कर आप अपनी सोच को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, दूसरों से मिले सुझाव को जो है समझने की कोशिश भी करेंगे। और दोस्तों, ये जो समय आपके लिए, आप अधिक से अधिक व्यक्ति के परिचय में आने की वजह से नई बातों को भी सीखना आपके लिए यश में आसान होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कलात्मक तथा रुचिपूर्ण कार्यों में विशेष समय व्यतीत होगा और दोस्तों, आप अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान यश में महसूस करेंगे। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह में या फिर विवाह से संबंधित रिश्ता आ सकता है,
विदेशी संपर्क सूत्रों से अच्छी इनकम होने की संभावना इसमें बन रही है। विदेशी संपर्क सूत्रों से इसमें अच्छी इनकम होने की संभावना बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय कुछ काम बनते बनते बीच में भी रुक सकते हैं। इनकी वजह से आपकी ही एकाग्रता में कमी होना चाहिए। दोस्तों यशोमय खर्चों के प्रति कंजूसी करना भी परिवार के लिए दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। अपनी भावनाओं पर यशोमय आप काबू रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए शुभ होंगे। आपको बता दें कि आपके अंदर काफ़ी बेचैनी बढ़ रही है, लेकिन दोस्तों इन बेचैनी को अभी आपको जो है व्यक्त नहीं करना चाहिए। फिलहाल दोस्तों आप स्थिति केवल देख रहे हैं और लोगों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आपके विचार और योजनाओं को दूसरे के द्वारा न समझ पाना फिलहाल आपके लिए उपयुक्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए शुभ होंगे। आपको बता दें कि यश में आपकी परेशानियों में नज़दीकी रिश्तेदारों का सहयोग आपके लिए मनोबल को बनाकर रखेगा। दोस्तों जिनकी वजह से आपको तनाव से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य का जो नींव है इन्हें रखने के लिए जो दिन है आपके लिए बहुत उत्तम दिन होगा। यश में अतिरिक्त आय की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। तो दोस्तों यश में अपने कार्य के प्रति अपना ध्यान को केंद्रित रखें। इसके उपरांत दोस्तों कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग आपके कामों में विघ्न डाल सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई भी संपर्क ना रखें। फिजूल खर्ची से भी यश में आपको बचना जरूरी है। दोस्तों पारिवारिक जनों पर बहुत अधिक अनुशासन बनाकर रखना उन्हें परेशान कर सकता है। दोस्तों उन्हें भी इसमें थोड़ा सा छूट दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों जीवन से जुड़ी किसी एक बात को प्रगति की ओर ले जाने का निर्णय यश में आप ले सकते हैं और उसके लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं और उसी के लिए प्रयत्न आपके द्वारा किए जाएंगे। दोस्तों आपको आगे बढ़ने के लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी दोस्तों वह आसानी से आपको यश में मिलने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों यश में खुद के अंदर बदलाव लाने की वजह से आपके काम की क्षमता यश में बढ़ रही है और दोस्तों करंट परिस्थिति में भी आप यश में डगमगाएंगे नहीं, ये आपके लिए यश में बेहतर होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। व्यवसाय के स्थल पर शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा, परंतु अपने काम की क्वालिटी की ओर अधिक आपको ध्यान देना चाहिए, इन्हें बेहतर बनाना चाहिए। दोस्तों यश में किसी ऑर्डर के निरस्त होने की आशंका भी बन रही है। नौकरी पेशा स्त्री वर्ग को विशेष रूप से कोई अथॉरिटी यश में मिल सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया, आर्ट, कंप्यूटर आदि से संबंधित व्यवसाय में यश में लाभदायक स्थितियां रहेंगी। ये जो समय है आपके लिए किसी भी नए काम में दिलचस्पी ना लें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने जो है डिपार्टमेंट में किसी प्रकार का महत्वपूर्ण अथॉरिटी प्राप्त हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि स्त्री वर्ग से जुड़े बिजनेस सफल रहेंगे। कोई पार्टनरशिप करने की अगर सोच रहे हैं तो दोस्तों उसे तुरंत क्रियान्वित करें, इसमें सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। दोस्तों नौकरी पेशा स्त्रियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी यश में बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय में बहुत अधिक यश में व्यवस्था बनी रहेगी, परंतु आपकी मेहनत के परिणाम भी यश में बहुत ही उचित और उत्तम प्राप्त होंगे। दोस्तों दिन के दूसरे पक्ष में व्यापार संबंधी दिक्कतें भी आ सकती है, हालांकि दोस्तों आप जो अपनी सूझबूझ द्वारा उन्हें हल भी करने में यश में सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में पारिवारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों में सामंजस्य बनाकर रखना घर के माहौल को सुखमय बनाकर रखेगा। विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखना यश में आपके लिए अति आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होगी। दोस्तों आपको बता दें कि यह समय जीवन साथी के साथ संबंध जो है भावुकतापूर्ण रहेंगे। विवाहेतर संबंधों की भी यश में उभर सकते हैं, परंतु इसका नकारात्मक असर आपके पारिवारिक जीवनों के या फिर पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें आपके लव लाइफ के लिए समय होगी। दोस्तों दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और तथा घर परिवार का वातावरण भी यश में सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों यश में पति पत्नी के संबंध भी खुशनुमा रहेंगे तथा परिवार के साथ किसी धार्मिक अनुसंधान में जाने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों सेहत यश में ठीक रहेगा, परंतु तनाव जैसी स्थितियाँ आपको यश में बेचैन कर सकती है, इनसे आपको बचना चाहिए। सिर दर्द की समस्या आपको यश में परेशान कर सकती है।